छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मास्टर क्लास के पार्ट टू में हम कलचुरी वंश के बारे में, कलचुरी डायनेस्टी के बारे में इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पिछले बार जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कलिंगराज, कमलराज और रतनदेव का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। मैं एक बार छोटा सा रिवाइज इसका कर देता हूँ और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे कलचुरी वंश के राजाओं के नाम आपको याद हो सकें, ठीक है? क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत सारे राजा हैं तो उनको सबको कैसे याद रखें, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला है। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको उस तरह से याद कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि आपने अगर कोई अलग शॉर्टकट निकाला है तो, क्योंकि शॉर्टकट तो निकालने ही पड़ते हैं, नहीं तो याद नहीं होते हैं राजाओं के नाम। आपको घटनाक्रम याद रहेगा, आपको टाइमलाइन याद रहेगा, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल्स, बट आपको राजाओं के नाम भूल जाओगे। आप किसने क्या किया था वो पता है, लेकिन नाम भूल जा रहे हो, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट्स निकालने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ शॉर्टकट्स मैंने बताए थे, ठीक है? जैसे कि आपको वो SRCKB वाला मैंने गुप्त पीरियड के लिए बताया था, गुप्त वंश के जो राजाओं थे, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, इनके बारे में। और उसके अलावा मैंने वाकतक डायनेस्टी का भी एक शॉर्टकट बताया था, वैसे ही मैंने कलचुरी का भी निकाला है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपको शीट जो मैं इसमें आपको दिख रही है, शीट में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अलग से आपको हाईलाइट करके समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है? तो पिछली बार जो बात हो रही थी उसमें कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव की बात हो चुकी थी। कलिंगराज का शासनकाल था 1000 से 1020 ईस्वी, या फिर 1000 से 1020 AD। कमलराज का 1020 से 1045, रत्नदेव का 1045 से 1065। और रत्नदेव जी ने ही रतनपुर को राजधानी बनाई, तो फिर तुम मान में कितने लोगों ने शासन किया? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने भी, क्योंकि रतनपुर में राजधानी बनी थी 1050 में, तो फिर 1045 से 1050 के बीच में उन्होंने ऑब्वियसली तुम मान में ही शासन किया होगा। तो फिर अब आगे आते हैं हम पृथ्वीदेव प्रथम या फिर पृथ्वीदेव फर्स्ट में। इन्होंने 1065 से 1095, 1095 तक इन्होंने शासन किया। इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इनको एक उपाधि मिली थी सकल कौशलाधिपति की, और एक और मिली थी प्रचंड कौशलाधिपति की। तो अब आप थोड़ा सा याद करेंगे तो पांडु वंश में भी किसी एक को मिला था। किसको मिला था? तिवर देव जी को, महाशिव तिवर देव जी को मिला था महाकौशलाधिपति की, सकल कौशलाधिपति की उपाधि, ठीक है? तो ये आप याद रखिए, इस तरह से इंटरलिंक कीजिए कुछ चीज़ों को, थोड़ा सा याद कीजिए कि हाँ ये उपाधि एक और किसको मिली है। उस जब उसके बारे में आप याद करें तो उसके पूरे वंश के बारे में याद कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हम भी कैसे करते हैं, अगर किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे किसी एक दोस्त के बारे में बात करें तो सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसके घर में कौन कौन है, सब चीज़ों की हम जानकारी अपने दिमाग में ले आते हैं। तो उसी तरह से आप जब भी किसी राजा के बारे में सुने तो उसकी पूरी जानकारी जो भी आपके दिमाग में, उसको तुरंत एक फ्लैशबैक कर लिया कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, आपका हिस्ट्री स्ट्रांग होते जाएगा और इंटरेस्ट भी आते जाएगा, ठीक है? तो पृथ्वीदेव प्रथम जी को सकल कौशलाधिपति और प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि मिली थी। इनको बोलते हैं कि 21,000 गांव के स्वामी थे, 21,000 गांव इनके या फिर विलेजेस इनके अंडर में थे। ये हमें मिलता है अमोद तामपत्र में। अब तामपत्र जो होता है वो होता है कॉपर प्लेट्स, ठीक है? कॉपर में लिखी हुई चीजें। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें कराई हैं? इन्होंने रतनपुर में एक तालाब बनवाया है, ठीक है? रतनपुर, ऑब्वियसली रतन देव जी ने रतनपुर को राजधानी बना ली, तो पृथ्वीदेव जी का भी तो राजधानी रतनपुर ही हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा तालाब बनाया है, ठीक है? और तुमान में इन्होंने पृथ्वीदेवेश्वर टेम्पल की निर्माण कराया है, पृथ्वीदेवेश्वर टेम्पल का मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है? और इन्होंने लाफागढ़ में भी एक किला बनवाया है, और इस किले में तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उनको बोलते हैं मेनका सिंह हुंकारा, मेनका सिंह हुंकारा। ये तीन द्वार थे जो कि लाफागढ़ के किले में है। ये शायद एक क्वेश्चन भी आया हुआ था PSC में 16 17 में, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कलचुरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली हर एग्जाम, चाहे व्यापम का हो चाहे PSC को, एक क्वेश्चन तो आपको शर्तिया तौर पर आपको मिलेगा डेफिनेटली, ओके? इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं जाचल्य देव प्रथम। इन्होंने जांजगीर को अपना वो बनाया था, जांजगीर को अपना मेन फोकस बनाया था। जांजगीर इनकी राजधानी नहीं थी, यहाँ पे ये मत सोचिए कि जांजगीर राजधानी रही है, जांजगीर नहीं रही है। जांजगीर में को इन्होंने बेसिकली बसाया था, वहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है? उसको उस वक्त जांजगीर को बोलते थे जाजल्यपुर, ठीक है? इनको उपाधि मिली है गज शार्दुल की, टाइटल ऑफ गज शार्दुल, मतलब जो हाथियों के शिकारी, इनको इस चीज की उपाधि मिली हुई है। इनके गुरु को रुद्रशिव बोलते हैं, उनके मंत्री थे पुरुषोत्तम। माना जाता है कि जाजल्य देव ने त्रिपुरियों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था,
और इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम स्वर्ण सिक्के मतलब कि गोल्ड क्वाइन सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने चलाया था छत्तीसगढ़ में। अभी आप देखेंगे मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है जाजल देव फर्स्ट को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा कि जाजल देव फर्स्ट ने क्या क्या किया, इस सब चीज़ों को आपको याद करना। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको इंटरलिंक किया है ऊपर बाण डायनेस्टी से, विक्रमादित्य जी ने जो पाली में शिव मंदिर बनाया था उसका जीर्णोद्धार या फिर रिस्टोरेशन कराया था जाजल देव फर्स्ट ने, प्लस छिंदक नागवंश, इसके बारे में छिंदक नागवंश का मैं आगे बताऊंगा कलचुरी वंश के बाद में। छिंदक नागवंश में सोमेश्वर जी को हराया था, ठीक है, लेकिन हराने के बाद उनको उन्होंने बंदी भी बना लिया था, अपना POW बोलते हैं ना, प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना लिया था। लेकिन फिर सोमेश्वर जी की जो मदर थी माता गुंडमा देवी, उनके कहने पे जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर जी को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। अब जैसे कि इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, मतलब लास्ट जब होता है जैसे कलचुरी वंश का ऐसा ही रहा है, जैसे कि आप देखेंगे एकदम सिस्टमेटिक 1000 से 1020, 1020 से 1045, 45 से 65, 65 से 95, 20-30 साल का सबका शासन रहा है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो क्या होता है कलचुरी वंश में जो राजा लोग होते थे जब उनका लाइफ का एंडिंग आता रहता था तो फिर वो हो जाते थे, क्या बोलते हैं, एक तरह से संन्यास ले लेते थे, कहीं चले जाते थे। ठीक है, तो जाजल्य देव प्रथम अपने अंतिम समय में मकर ध्वज, याद रखिएगा यहाँ तो साइड में लिखा हुआ है, मैंने छोटा सा दिखेगा नहीं, जूम करके देखिएगा, मकर ध्वज नाम के योगी के साथ में, जोगी के साथ में वो निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तो ये हमारी भारतीय पद्धति में रहा है, एक्चुअली में एक एक प्रथा रही है कि हाँ सबसे पहले 3 खंडों में बंटता है हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा जो जीवन होता है 3 खंडों में बंटता है। पहला खंड रहता है 24 से 25 साल की उम्र तक जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फिर 25 से 50 के टाइम में हम भोगते हैं, भोग वर्ष जो रहता है, भोग टाइम जो रहता है उसमें हम शादी भी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा करके, फिर जब 50 के बाद कुछ समय के बाद फिर आप संन्यास ले लें। तो इस तरह की प्रथा चलती थी कलचुरी वंश के टाइम में भी, ये हमारे भारत का ही बहुत ही पुरानी प्रथा है, प्रथा में से एक है कि लास्ट में संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, हमारे अभी इस कलयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है कि जो ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ महान महानुभाव लोग क्या करते हैं उनको तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ठीक है, वो उनके लिए सन्यासी बना देते हैं उनको जबरदस्ती का, समझ रहे हैं। तो इस तरह का कलयुग में चल रहा है, जो ये पहले के टाइम पीरियड में था, जो राजाओं के वंश के टाइम पीरियड ना, जैसे कल्चर में आप देख लीजिए सिस्टमेटिक रहता था, खुद की मर्जी से कोई संन्यास ले रहा तो वो अच्छा है ना। अभी के वंश के लोगों को देखो, अभी की जनरेशन को देखिए, अगर माता पिता बूढ़े हो जाएं तो आपको उनका भार उठाना है, आपको उनका ध्यान रखना है, वो अपनी मर्जी से अगर तीर्थ जाते हैं घूमने जाते हैं तो उनको जाने देना है, उनको ढकेल के वृद्धाश्रम नहीं डालना है। तो ये है डिफरेंस अभी की पद्धति में और पहले की पद्धति में, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है जाजल्य देव प्रथम की बात में रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, इनको बोलते हैं कि इन्होंने गोंड राजाओं को परास्त किया था और इनके पास 36 विद्याएं थी, 36 स्किल्स, 36 स्किल्स से ही वॉज हैविंग रत्नदेव सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं पृथ्वीदेव सेकेंड, पृथ्वीदेव सेकेंड के जो सेनापति थे, अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, वो स्टार मार्क आप वापस देखेंगे तो जाके नल डायनेस्टी में जब मैंने बताया था, नल डायनेस्टी में आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा रानी राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो कि विलासतुंग ने किया था, जो कि उनके राजिम अभिलेख में दिया हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन जगत पाल जी ने किया था जो कि पृथ्वीदेव सेकेंड के सेनापति थे। ठीक है, तो इस तरह से इंटरलिंक कीजिए, याद होता रहेगा। नेक्स्ट आपके आते हैं जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव सेकंड, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में त्रिपुरी के जो रूलर थे, शासक थे जयसिंह, उन्होंने रतनपुर पे आक्रमण किया था, तो अभी राजधानी रतनपुर ही है, ये याद रखिएगा ना, राजधानी रतनपुर, अभी इसके बाद जितने भी सबकी राजधानी रतनपुर ही है। उसके बाद फिर आते हैं जगत देव जो थे वो 1168 से 1178 के बीच में इनका शासन रहा। देन फिर आते हैं रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव थर्ड,
मतलब पहले के ज़माने में आप बहुत से राजाओं के नाम देख लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से रखते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस तरह से नाम रखने से उनकी खूबियां आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए जाजल्य देव प्रथम जो फर्स्ट थे, वैसे जाजल्य देव द्वितीय आ गए, ठीक है। तो मानते हैं उस वक्त का वो था एक, वो मतलब फिलॉसफी थी कि ऐसे नाम, जिसका नाम जैसा काम वैसा, ठीक है। तो उस हिसाब से नाम रखा जाता था, तो इसमें हमारा भी आसान हो जाता है थोड़ा। नाम अगर सेम रहते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम उनको टाइमलाइन में फिट करके अपने दिमाग में बैठा भी सकते हैं, हमारे लिए ही अच्छा है। तो अब आते हैं रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव थर्ड। तो रत्नदेव तृतीय में उनका कुछ खास खास चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उनके जो सेनापति गंगाधर राव थे, उन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का रिस्टोरेशन करवाया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रताप मल, 1158 से 1222 के बीच में। इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोल एवं षटकोनीय, डेट मीन्स सर्कुलर और हेक्सागोनल सिक्के जारी किए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये आपके जितने अभी तक, जैसे हमने कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव से लेके अभी तक प्रताप मल तक जितना हमने बात किया, उसके बाद में एक अंधकार काल आता है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है नहीं, जिसमें मानते हैं कि हो सकता है धर्म सिंह देव और वीर सिंह देव ने शायद शासन किया था। प्रॉपर जानकारी इसकी नहीं है। उसके बाद की चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। कलिंग राज पहले हैं, कमल राज दूसरे हैं, रत्नदेव तीसरे हैं, रत्नदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट, जाजल्यदेव फर्स्ट, रत्नदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड, जाजल्यदेव सेकंड, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल। अब इसको याद कैसे करें, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या निकाला, जैसे जो लोग आईपीएल देखते हैं तो उनको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा, जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो क्रिकेट का होता है ना, अभी भी चल रहा है, तो वो जो देखते हैं उनको ये बहुत ही अच्छे से याद होगा। और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस इसको याद करने के तरीके के हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर टीम को जबरदस्ती का कुछ उनका डिमोरलाइज कर रहा हूँ या फिर उनका कुछ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को, तो इसको आप समझ लीजिए। इस तरह से याद रखना है, KKR जो कि है ना कोलकाता नाइट राइडर्स, वैसे KKR, कलिंग राज, कमल राज, रतनदेव, KKR के पास पृथ्वी जल रत्न, पृथ्वी जल जगत रत्न होने के बावजूद प्रताप नहीं मिलता, ठीक है। KKR के पास पृथ्वी जल रत्न, पृथ्वी जल जगत रत्न होने के बावजूद भी प्रताप नहीं मिलता। तो इस तरह से आपको ये पूरा याद हो जाएगा, KKR हो गया, कलिंग राज, कमल राज, रतनदेव, फिर पृथ्वी जल और रत्न, मतलब कि पृथ्वी जाजल्य देव और रत्नदेव, फिर पृथ्वी जल जगत और रत्न, पृथ्वी जाजल्य देव सेकंड, जगत देव, रत्नदेव थर्ड, और प्रताप नहीं मिलता, तो प्रताप मल, ठीक है। तो KKR के पास पृथ्वी जल रत्न, पृथ्वी जल जगत रत्न होने के बावजूद प्रताप नहीं मिलता। अगर आपके पास और कोई अच्छा शॉर्टकट है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसको डेफिनेटली हाईलाइट करूंगा, अपने हाईलाइटेड कमेंट्स में रखूंगा। इसके बाद अंधकार काल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपके आते हैं बहरेंद्र साय। तो बहरेंद्र साय जो थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि छुरी कोस गई का निर्माण करवाया, जो कि कोरबा में है, और वहां पे उन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया। तो कोसगई कोरबा में राजधानी हमारी अब बन चुकी, पहले तो मांड थी, फिर रतनपुर, छुरी कोसगई, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने कोसगई मंदिर भी बनाया है, और कोरबा में चैतुरगढ़ का किला जो है वो बहरेंद्र साय जी ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया है। अब इनके ही रूलिंग टाइम के दौरान, शासनकाल के दौरान, सैन्य सहयोग के बदले में बिसई ठाकुर बिंजवार को सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इन्हें सौंप दिया। याद रखिए, सोना खान विद्रोह के बारे में जब मैं बताऊंगा आगे चल के, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है कल्याण साय जी। कल्याण साय जी के बारे में तीन महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज कि गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर ने उन्हें 8 वर्षों के लिए नजरबंद करवाया था, 8 ईयर्स के लिए नजरबंद करवाया था जहांगीर ने। और उसके अलावा सेकेंड धारणा ये है, जो कि बाबू रेवाराम के अनुसार है, कि कल्याण साय
जी का हो गया था किसी राजस्व अधिकारी से, जो अकबर के थे, अकबर के राजस्व अधिकारी से उनकी बहस हो गई थी। तो उस विवाद या बहस के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कल्याण साय जी को अकबर जी के दरबार में आके 8 साल बैठना पड़ा था। ये बाबू रेवाराम जी के अनुसार है, और गोपल्ला गीतों के अनुसार क्या था, जहांगीर ने उन्हें 8 वर्षों के नजरबंद करवाया। और एक धारणा और है, ये कहाँ से आई ये धारणा तो नहीं पता है, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिएगा फैक्ट को। एक गोपाल राय नामक पहलवान थे जिन्होंने कल्याण साय को दिल्ली से मुक्त कराया था। अगले आते हैं लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय जो है उन्होंने हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में लेखा जोखा रखना, अकाउंट्स मेंटेन करना, इसकी प्रथा का प्रारंभ किया था। देन कम्स तखत सिंह। तखत सिंह जो थे, जो मुगल के सम्राट औरंगजेब थे, उनके समकालीन थे। अब समकालीन की परिभाषा, समकालीन का डेफिनेशन तो मैं आपको बखूबी पहले ही बता चुका हूँ, तो उसको मुझे आई थिंक बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है। मास्टर क्लास वन में सबसे स्टार्टिंग में समकालीन के बारे में मैंने इन डिटेल में बताया ही है। और इन्होंने तखतपुर नगर की स्थापना की। तखतपुर कहाँ है, अगर जो बिलासपुर वाले हैं वो जानते होंगे, बिलासपुर के ठीक पास में ही तखतपुर है, वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक भी है, ठीक है। तो वो तखतपुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी तखत सिंह जी ने। जैसा नाम वैसा शहर का नाम, तखत से तखतपुर। अगले आते हैं राज सिंह जी। राज सिंह जी की पत्नी का जो नाम था वो था गजरा देवी। याद रखिए, ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा है, गजरा देवी किनकी पत्नी रही, तो राज सिंह जी की पत्नी थी गजरा देवी। और सबसे मेन पॉइंट ये है राज सिंह जी के टाइम का कि गोपाल मिश्र, जो कि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि भी कहलाते हैं, गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, वो थे इनके दरबार में, इनके शासनकाल में इनके दरबार में गोपाल मिश्र थे राज सिंह जी के, ठीक है। और इन्होंने, गोपाल मिश्र जी ने अपनी रचना खूब तमाशा, ठीक है, उसमें औरंगजेब की बहुत आलोचना की है, और प्लस छत्तीसगढ़ का शब्दों का इस्तेमाल भी उसमें किया है खूब तमाशा में। अच्छा, अब राज सिंह ने मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, लेकिन जब मृत्यु होती रहती राज सिंह जी की, तब मोहन सिंह जो है वो शिकार करने के लिए निकल गया रहता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, राज सिंह के चाचा सरदार सिंह, इसके बाद आ गया, देखिए नाम सरदार सिंह लिखा है, सरदार सिंह को शासन मिल जाता है कलचुरियों का। अब राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का भी निर्माण करवाया है, और जूना शहर भी इन्होंने बसाया था, बिलासपुर के आसपास इन्होंने खासकर कार्य कराया है, ठीक है। ये आपके तखत सिंह होंगे, राज सिंह होंगे, ये दोनों बिलासपुर के आसपास, एक तखतपुर बना लिए, एक ने जूना शहर का वो करा दिया है ना। तो ये सब है। इसके बाद आपते आपके सरदार सिंह, जैसे मैंने बताया राज सिंह के चाचा थे वो। नेक्स्ट आपके हैं रघुनाथ सिंह। अब इनकी बड़ी ही खास कहानी है। 1741 में जो भोंसला शासक, भोंसला मतलब कि मान के चलिए मराठा ही है ना, उसमें रघुजी प्रथम जो के जो सेनापति भास्कर पंत थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया, जिसमें रतनपुर राज्य की सेना एवं मराठों के बीच में युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग से खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। डेट मीन्स आत्मसमर्पण मतलब कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया डेट मीन्स क्या हुआ कि वो हो गए मराठों के अधीन एक तरह से। पुत्र वियोग मतलब हुआ कि उनके पुत्र की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उस वियोग में वो लड़ाई नहीं कर सके, तो मराठों और कलचुरियों के बीच में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। भास्कर पंत आए जरूर, जो कि रघुजी प्रथम के सेनापति थे, लेकिन बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर लिए, तो ठीक है, वो हो गए उनके अधीन मराठों के, अब वो वापस जा रहे हैं। अब एक खास चीज़ हुई, भास्कर पंत जी की भी वापस जाते जाते एक बंगाल अभियान भी किया उन्होंने। उस वक्त 1744 से 45 के बीच में बंगाल अभियान के टाइम में लौटते टाइम उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या किसने की, अलवर्दी खां, बंगाल के शासक थे, उन्हें धोखे से एक मनकुटा नामक एरिया पे, एक मनकुटा नामक प्लेस पे उनकी हत्या कर दी। तो कि ये मान के चलिए कलचुरियों का पतन तो हुआ ही हुआ, और लेकिन जो पतनकारी, जो पतन करने के लिए आया था, उसका भी पतन हो गया एक तरह से वापस जाते जाते। तो इस तरह से आपको कहानी की तरह हिस्ट्री को याद रखेंगे, जैसे कि बच्चों की किस्से कहानी चलते हैं, उस कहानी की तरह आप याद रखेंगे ना, तो डेफिनेटली हिस्ट्री आपके दिमाग में बस जाएगा। तो प्रॉपरली अब देखा जाए तो कलचुरियों का पूरा शासन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, और बोला जाए तो जो रघुनाथ सिंह जी थे वो लास्ट कलचुरी के शासक थे, अंतिम शासक थे, और मराठों के अधीन, मराठों के अंडर में पहले शासक थे। अब
नेक्स्ट आते हैं मोहन सिंह में। मोहन सिंह जो थे वो मराठों के अधीन अंतिम कलछुरी शासक थे। ठीक है, अब मोहन सिंह से आपको याद आएगा, राज सिंह ने किया था वादा मोहन सिंह को कि मैं तुमको अपना पद दूंगा, अपना शासन दूंगा, लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु हो रही थी उस वक्त मोहन सिंह चले गए थे क्या शिकार करने। अब शिकार करने गए तो शासन भी गया, शासन किसके हाथ में चला गया, सरदार सिंह के हाथ में। फिर रघुनाथ सिंह आ गए, अब मोहन सिंह वापस आ रहे हैं कहानी में, वापस आ रहे हैं वो स्टोरी में वापस आते हैं। अब मोहन सिंह जी के पास में आ गया कलछुरी का शासन वापस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें कहानी में एक ट्विस्ट आपको मैं बताता हूँ। जो रघुनाथ सिंह के पास में रघुजी प्रथम ने सेनापति अपना भेजा था भास्कर पंत आक्रमण करने के लिए, उसको इनविटेशन किसने दिया था, इनविटेशन मोहन सिंह जी ने ही दिया था। मोहन सिंह ने ही इनवाइट किया था मराठों को कि आके छत्तीसगढ़ पे हमला करें। ठीक है, तो बेसिकली माना जाएगा तो मोहन सिंह की वजह से ही कलचुरियों का अंत हुआ छत्तीसगढ़ में। इनके मृत्यु रतनपुर में हुई 23 जनवरी 1757 में, और इनको बोलेंगे मराठों के अंडर में लास्ट कलचुरी शासक। और अगर लास्ट कलचुरी शासक आपसे पूछ रहा है, प्योरली से ये लिखा हुआ है कि अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, तो रघुनाथ सिंह जी हुए, और अंतिम कलचुरी शासक मराठों के अधीन कौन थे, तो मोहन सिंह हो गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है कलचुरी डायनेस्टी। और इसमें, हाँ इसमें मैं आपको ये बताना भूल गया कि इनको कैसे याद रखना है, बहरेन्द्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, इनको कैसे याद रखना है ये मैं आपको भी एक बताता हूँ। और आपको तो याद ही होगा अंधकार काल से पहले, KKR, पृथ्वी जल रत्न, पृथ्वी जल जगत रत्न भी प्रताप नहीं मिलता, वो तो आपको याद होगा ही। अब इसका मैं बताता हूँ, ये आपका देखिए बहरेन्द्र साय है, कल्याण साय है, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। तो यहाँ से आप देखिए BKL TRSRM, तो इसको कुछ इस तरह से जमाना है। तो मैंने एक निकाला है, इसको समझिएगा, बिहार के लाला तखत राज सरदार रहे मोहन। ठीक है, मोहन एक अलग से आपको याद करना पड़ेगा। तो बिहार के लाला मतलब कि बहरेंद्र साय, बी फॉर बहरेंद्र साय, के फॉर कल्याण साय, एल फॉर लक्ष्मण साय, बिहार के लाला तखत राज सरदार रहे, रहे में र से हो गया रघुनाथ सिंह। तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे को इस तरह से याद हो गया तो मैं आप तक पहुंचा दिया। आपके पास कोई होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले मास्टर क्लास में, जिसमें हम छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, उसके अलावा काकतीय वंश, फिर हम मराठा सूबा व्यवस्था, ये सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो मेरे ख्याल से पाँच, टोटल 5 क्लासों में हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये आपका बस इनिशियल प्लेटफॉर्म है, आपको इसमें डीप स्टडी करना है, सिर्फ इसके बलबूते में ईरान है। थैंक यू।